लाइव ये तस्वीरें देख सकते हैं कि एक भीषण जो है एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई है। इस समय हम हैं मंचौरी और शेखपुरा के बीच। पुलिस की गाड़ियां यहां पहुंची हैं। आप देखने योगा दो व्यक्ति जो है मौके पर मृतक बताए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी कुछ ही देर पहले हम यहाँ से निकले थे और देखने चाहूँगा, बताएंगे कि जो दो डंपर है उनकी आपस में टक्कर यहाँ बताई गई है कि भीषण जो है हादसा होता है। दो व्यक्ति मौके जो कैंटर है उस साइड में एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लंबी पुलिस की मौके पर अभी कंच दोनों तरफ यहाँ पड़े हैं, उस तरफ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। कंच तस्वीरों को शेयर करें। हाँ जी, दो आईडी निकली है अपना, नवीन सन ऑफ रमेश। हाँ हाँ, और एक है बंटू सन ऑफ धन्ना। इसके अंदर था एक नीचे था और एक ये गाड़ी, दूसरी गाड़ी कहाँ गई? ये सीधी लगी है, ये मोटरसाइकिल, ये तेल डाल रहे थे ट्रैक्टर वाले, पीछे से आके गाड़ी लग गई है। कहाँ तेल डाल रहे थे? ये खड़े थे यहाँ पे, तेल डाल रहे थे। अच्छा, उसके अंदर ट्रैक्टर के अंदर गाड़ी, ट्रैक्टर के पीछे से लगी है गाड़ी। एक नीचे आ गया और एक ड्राइवर का सांस बचे, उसमें कुछ बाकी है, उसमें सांस कुछ बाकी है। अभी कितने बंदे को लेकर के गए हैं? तीन को लेकर गए हैं, एक डेड हो गया, बाकी ठीक, दोनों की सांस है थोड़ी दूरी। ट्रैक्टर कहाँ है? गाड़ी लगी है। तस्वीरें देखिए कितनी भयानक, और ट्रैक्टर जो है तेल अपना डादर, तो हो खड़ी ट्रॉली में एक तरह का जो डंफर है ट्रैक्टर का वो है। मौके पर था जी कोई जिन्होंने संभाला इनको? सारी पब्लिक की थी। अच्छा, आगे थे तो एक घंटे में निकाला घंटा। ये इसके अंदर आदमी कितने थे? आदमी एक ही फंसा था। अच्छा, इसके अंदर हाँ ट्रैक्टर टोचन लगा के एक डेढ़ घंटे में बाहर निकाला इससे। और जो दो थे एक नीचे फंस रहा था, मोटरसाइकिल पे था। मोटरसाइकिल पे था? नहीं, तीनों ट्रॉली पे थे। वो साइड में गिरी भैया, प्लीज थोड़ा साइड में। तीनों तेल डाल रहे थे ट्रैफिक इधर। अच्छा, बंदे कहां थे? एक गोंदर का बंदे, पता क्या था जी? बंदे ये इस ट्रैक्टर की हवा निकली थी, इसमें तीनों बंदे तेल डाल रहे थे। तीनों बंदे तेल डाल रहे थे इसके अंदर? इसके अंदर दो बंदे। पीछे से ट्रक वाला आया, वो अकेला ही था, उसने आके पीछे से लगा दिया, ठोक दिया। और जो ट्रॉली वाला था उसको भी चोट लगी है, उसको भी ले गया, और एक डेड हो गया ट्रॉली वाला और ट्रक वाला। हाँ जी हाँ जी, पहले ही खड़ा था। कंटर वाले कितने बंदे थे? कंटर वाला एक ही था, सिंगल कंटर वाला एक ही था। हाँ जी हाँ जी। क्या स्थिति है इस समय? अभी बहुत मुश्किल से बचेगा। अच्छा, ट्रैक्टर वाले तीन बंदे थे? हाँ, दो। उनकी क्या स्थिति है? एक ही था, एक मौके पर एक्सपायर हो गया। जोर से झटका लगा, बहुत जोर से। इन्होंने मतलब पीछे कोई बैरिकेड्स या कुछ ऐसा नहीं लगाया? वो नहीं, हम बाद में आए, पता नहीं लगाया कि नहीं, हम तो बाद में आए थे। एक का नाम तो है बंटू सन ऑफ, ट्रैक्टर किनका है जी? ट्रैक्टर का नहीं पता जी, उसकी आईडी निकली है जेब में था, जो एक्सपायर हो गया मौके पर। अच्छा, बंटू सन ऑफ द नाराम, गांव गोंदर का ट्रैक्टर। हाँ जी, और ड्राइवर की आईडी निकली है नवीन सन ऑफ रमेश, गांव चिडाणा। ये निकली आईडी जेब में। संपर्क नंबर भी निकला उनका? ना, कुछ नहीं निकला। एक दो नंबर एम्बुलेंस मौके पर आ गया, 112 को फोन किया, सीधा भी आ गई थी। टाइम पे ऑपरेट कराया, सारे साथ में निकलवाया जी, बिल्कुल टाइम पे। देखिए 112 की जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर यहाँ नजर आ रही है, और एम्बुलेंस भी भाई बता रहे हैं कि समय से आ गई है। बहुत भयानक ये एक्सीडेंट था। दो व्यक्ति ट्रैक्टर में तेल डाल रहे थे, ये ट्रैक्टर खड़ा था सड़क के ऊपर, और पीछे से जो कैंटर है वो इस ट्रैक्टर के अंदर लगा है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें, और किस तरीके से ये जो ट्रैक्टर है इसकी जो स्थिति है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। जो इस ट्रैक्टर की स्थिति है, इनके बयान नोट कर लिए होते हैं। जो इस ट्रैक्टर की स्थिति है वो एक जो डंफर होता है उसकी तरह है, और मिट्टी का ये भरा है, क्योंकि देखिए यदि खाली ट्रेली होती तो शायद आगे सरक सकता था, लेकिन जो मिट्टी के कारण इसके अंदर इतना जोर था कि
बिल्कुल आगे से कैंटर की स्थिति ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, ड्राइवर की कोई स्थिति, एक सिंगल जो है ड्राइवर था और तेल डालने वाले दो थे, गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा क्योंकि आजकल मोटरसाइकिल किन की है जी? ये उनकी ट्रॉली वालों की है, ट्रैक्टर। इनका इनका तो तेल खत्म हो गया, इनका तेल खत्म हो गया था, ये तेल डाल रहे थे आईडिया के हिसाब से। ये मोटरसाइकिल है, एक तो मोटरसाइकिल का नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, HR 05 BC 7383 0 05 BC 7। गोंदर गांव की, यदि कोई गोंदर का भाई यदि इन तस्वीरों को देख रहा है तो इन तस्वीरों को शेयर करें। HR 05 आईडी बता दें उनकी एक बार, गोंदर वाले की आईडी क्या थी? गोंदर बता रहे हो विकास, विकास ये है भाई गोंदर का, मैं क्या क्या आईडी थी गोंदर उनकी, उसकी कौन कौन सा जो गोंदर के भाई थे? और जी एक तो बंटू है जी और दूसरा कुर्री है जी, कुर्री। उनको सूचना दे दी? हाँ जी, परिवार अभी अभी आने लग रहे जी, मैं आने लग रहे हैं। हाँ जी, तो अभी उनको सीधा असंद रेफर किया करनाल, करनाल कह रहे जी, करनाल। हम तो अभी आए जी, हम तो अभी आए जी, फोन किया था जी, एक सरदार जी ने आता है। हाँ जी, उसने फोन किया था, बोला था इसके ऊपर डाल के। विनम्र निवेदन है कि अपनी आईडी अपने पास जरूर रखें क्योंकि जैसे जैसे धुंध लगातार बढ़ती जा रही है, आपको पहले भी बताया था अंधेरे में जैसे तेल डाल रहे थे, बहुत बड़ा और ये भयंकर हादसा। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं शेखपुरा और बिल्कुल मंजूरी के बीचों बीच, आसपास के किसान भाई यहाँ मौके पर पहुँचे, पुलिस को सूचना दी गई, 112 पे फ़ोन किया गया और एम्बुलेंस को दारू कह रहे। और ये कैंटर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जो लोडिंग है वो शराब का माल है और ये इसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा क्योंकि इनका समय होता है, इनका समय होता है समय से पहुंचाना। तो तस्वीरें बने रहें और जुड़े रहें और इन तस्वीरों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना। तो देखिए किस तरीके से ये कैंटर की जो स्थिति है वो काफ़ी भयंकर, और ये ट्रैक्टर ट्रॉली इसको नज़र तो आ रही है लेकिन जो इसकी बॉडी है जो पीछे वो डंपर की तरह है और गाड़ी की हालत बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। तस्वीरों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन अलचल हरियाणा के साथ। और जो ड्राइवर है उसको भी यहाँ से रेफर कर दिया गया है, एक व्यक्ति की मौके पर मौत बताई जा रही है। गाड़ी बिल्कुल आगे से ख़त्म हो चुकी है, जहाँ जो कैंटर की जो स्थिति है बिल्कुल जो आगे देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल हालत नाजुक हुई होगी और लगभग आधे पौने घंटे से का ये जो है नज़ारा है और सारा का सारा जो गाड़ी का सामान है वो यहाँ टूटकर हो गया और इसके अलावा तेल की जो टंकी है वो यहाँ फूट चुकी है। इन तस्वीरों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये ट्रैक्टर मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर डाल रहे थे तेल। जी हाँ, इस ट्रैक्टर के अंदर दो व्यक्ति तेल डाल रहे थे। वो कौन से टायर के नीचे आया सर? तो ये नहीं पता टायर केड़े थले है, ये नहीं पता टायर कौन से नीचे है, वो साइड में लगा नहीं, ट्राली में लगा, किस्मा लगा, वो साइड में पूरा हो गया बेचारा, एक जन था वो फंस रहा था, वो निकाल दिया। हाँ जी, और कोई जगह तेल तेल खत्म हुआ ट्रैक्टर का, और मिट्टी थी, वजन भी है, मिट्टी पूरी लोड है भरे पर ट्राली, और कुछ करे यू हवा लेने की वजह से एक्सीडेंट होया, ट्रैक्टर में डीजल खत्म होने की वजह से। हाँ बस वो ट्रैक्टर का तेल खत्म हो गया, उनको बेचारे को तेल लेकर गए मोटरसाइकिल पे डालने लगे तो स्थिति हुई। हाँ जी, तो पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सब पुलिस वाले जब के सेवा में नजदीक लगा वीर सिंह जी, एक बार बताएं क्या सूचना थी, क्या क्या सूचना मिलती भाई साहब? आए अभी तो देखो बिजी हैं, ज़्यादा बाद में करते हैं थोड़ा सा, और मोटरसाइकिल पड़ी है। तो पुलिस प्रशासन की टीम और किस तरीके से देखिए गाड़ी की जो हालत है वो बिल्कुल डैमेज, और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद। मलकपुर ये भाई साहब पावर बैंक गिर गया आपका, हरियाणा अलचल न्यूज़। तो देखिए यहाँ
जो गाड़ी की जो स्थिति है, मिट्टी यहाँ ट्रैक्टर था भाई, यहाँ इतनी दूर ये ट्रैक्टर था, और ट्रैक्टर में जब ये गाड़ी लगी तो कम से कम 10 फीट 15 फीट ज्यादा, 25 से 30 फीट ट्रैक्टर को खींच करके लेगी। और जो तेल डाल रहे थे, उसके अंदर एक जो बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति गाड़ी के टायर के नीचे आएगा, तो बहुत भयंकर ये दुर्घटना हुई है। अभी कुछ ही देर पहले, आधे पौने घंटे पहले हम भी यहाँ से निकले थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गाड़ी में तेल ख़त्म होने की वजह से, ट्रैक्टर में तेल ख़त्म होने की वजह से, जब वो तेल लेने के लिए पहुँचते हैं और तेल यहाँ डाला जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। और अभी इसको निकाला जाएगा, बिल्कुल बुरी तरह जो ड्राइवर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं फंस गई थी। पुलिस के भाइयों ने और आसपास के जो साथी थे किसान भाई, उन्होंने यहाँ बाहर आकर के इनको निकाला। और देखिए किस तरीके से 25 से 30 फीट बताना चाहूँगा, 25 से 30 फीट लगभग यहाँ अलग अलग क्लिप बना रही है, 25 से 30 फीट जो है ये आगे सर गया था। और आसपास के किसान भाई हैं, उन्होंने एम्बुलेंस और 112 नंबर पर फ़ोन किया, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हुई, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है और 112 पुलिस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है और स्थिति को संभाल लिया गया है। फिर बताना चाहूँगा मंचूरी और शेखपुरा के बीच की ये घटना, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंदलचल हरियाणा के साथ। और किस तरीके से देखिए, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट, और बीर सिंह पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। और इसके अंदर क्या है जी, बीर सिंह जी इसके अंदर क्या है? इसमें मोटरसाइकिल है जी। अच्छा, इसमें मोटरसाइकिल है। हाँ हाँ, चौकी में है। मोटरसाइकिल को अभी यहाँ से भेज दिया गया है, क्योंकि उस इस मोटरसाइकिल के अंदर वो जो किसान है वो तेल लेकर के आए थे। लेकिन भयंकर, बहुत भयंकर ये घटना, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, काफ़ी भयंकर। और फिर बताना चाहूँगा कि जो स्थिति है मंचूरी और शेखपुरा के बीच की ये घटना है, एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो जाती है, और जो दूसरे ट्रैक्टर के चालक हैं, और देखिए टंकी भी यहाँ कैंटर की बिल्कुल फूट जाती है। अभी इसके अंदर शराब की जो है बोतलें थी, और आगे इस ट्रैक्टर ट्रॉली में थी मिट्टी, मिट्टी में वजन होने के कारण जब उसके अंदर ये लगा तो 25 से 30 फुट आगे गया, और स्थिति जो है कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर, और जो गाड़ी की स्थिति है वो बिल्कुल ख़त्म यहाँ नज़र आ रही है। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, और बहुत दुखदाई, दर्दनाक ये घटना, बने रहें और जुड़े रहें, इन तस्वीरों को शेयर करें।